दोस्तों, जादू से भरी फिल्म हातिम ताई तो आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में जादुई दुनिया का एक ऐसा नजारा दिखाया गया था जिसे देखकर दर्शक बेहद ही एक्साइटेड हो गए थे। आज हम आपको इस फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइंस के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में ही बताने वाले हैं। अगर बात करें जीतेंद्र की, तो जीतेंद्र ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया था। उनकी पत्नी का नाम शोभा कपूर है, जो कि इंडियन टेलीविजन फिल्म और वेब सीरीज प्रोड्यूसर हैं। शोभा कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। शोभा कपूर से जीतेंद्र की शादी 1974 में हुई थी। जीतेंद्र के दो बच्चे हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर। वहीं अगर बात करें इस फिल्म में दिग्गज कलाकार अमरीश पुरी की, तो अमरीश पुरी की शादी उर्मिला दिवेकर से 1957 को हुई थी। अमरीश पुरी फिल्मों में जितना अपने विलेनस रोल के लिए मशहूर थे, उतना ही वो अपनी रियल लाइफ में बेहद नर्म दिल और एक जेंटलमैन किस्म के आदमी थे, ऐसा उनके साथ काम करने वाले कई लोगों ने बताया है। वहीं अगर अमरीश पुरी के बच्चों के बारे में बात करें, तो अमरीश पुरी की बेटी का नाम नम्रता पुरी है। इस फिल्म में काम करने वाली सोनू वालिया भी बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस है। सोनू वालिया के पति की अगर बात करें, तो सोनू वालिया ने 1995 में प्रताप सिंह से शादी की थी। सोनू वालिया एक मिस इंडिया रह चुकी हैं। उनका जन्म 19 फरवरी 1964 को हुआ था और आज वो 56 साल की हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म में काम करने वाले सतीश शाह की। सतीश शाह का रोल इस फिल्म में कॉमेडी से भरा हुआ था, जिसने दर्शकों को खूब हंसाया। अब अगर उनकी पत्नी की बात करें, तो उनकी पत्नी का नाम मधु शाह है, जिनसे उन्होंने 1972 में शादी की थी। आज उनकी शादी को 45 साल हो गए हैं। इस फिल्म में दमदार कैरेक्टर निभाने वाले रजा मुराद की बात करें, तो रजा मुराद की पत्नी का नाम समीना मुराद है। समीना मुराद से इनके दो बच्चे भी हैं, बेटी आयशा मुराद और बेटा अली मुराद। रजा मुराद बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार हैं, जो फिल्मी पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना लिया करते थे। वहीं खूबसूरत अभिनेत्री संगीता बिजलानी भी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, और वो हातिम ताई में परी के खूबसूरत रोल के लिए बहुत फेमस हुई थी। संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई 2060 को मुंबई में हुआ था। बचपन के दिनों से ही संगीता बिजलानी का रुझान ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ था। 1980 में संगीता मिस इंडिया चुनी गई। संगीता ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1988 में प्रदर्शित फिल्म कातिल से की थी। संगीता बिजलानी ने मात्र 16 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। संगीता बिजलानी का अफेयर सलमान खान के साथ बहुत बाद में शुरू हुआ था, लेकिन मॉडलिंग के दिनों में दोनों साथ काम कर चुके थे। दोस्तों, आपको बता दें कि संगीता बिजलानी ने सलमान खान के अलावा जैकी श्रॉफ को भी डेट किया था। इसके अलावा और भी कई लोगों के साथ उनके नाम जुड़े। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान उस वक्त सोमी अली के प्यार में पड़ गए थे, जिसकी वजह से संगीता और सलमान खान का ब्रेकअप हुआ था। वहीं अगर संगीता बिजलानी के पति की बात करें, तो संगीता ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी की थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और इन्होंने 2010 में ही तलाक ले लिया था। अजहरुद्दीन की पर्सनल लाइफ हमेशा ही सुर्खियों में रही। उनकी पहली पत्नी का नाम नौरीन था, वो हैदराबाद की रहने वाली थी। नौरीन के पति रहते हुए 1994 में अजहरुद्दीन का अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शुरू हो गया। संगीता से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी 9 साल की शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दिया था। 1996 में अजहरुद्दीन ने संगीता बिजलानी से शादी की, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और 2010 में ही उनका तलाक हो गया। तो दोस्तों, आपको फिल्म हातिम ताई के इन एक्टर्स के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जाननी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।